जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो है, स्पेशली ये वीडियो है कि SSGD या CAPF के द्वारा, यानी सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स के द्वारा, आप जिन फोर्सेस में लग रहे हो उनमें से सबसे आसान ड्यूटी किसकी है और सबसे हार्ड ड्यूटी किसकी है। तो दोस्तों इस फोर्स इसके बारे में मैंने पहले कोई वीडियो नहीं बनाया, ना आपने सुना होगा, तो आज मैं आपको एक क्रम से बताने वाला हूँ कि सबसे आसान ड्यूटी प्रेजेंट टाइम में कौन सी फोर्स की है और सबसे हार्ड ड्यूटी कौन सी फोर्स की मानी जाती है इन सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस में। तो आपको आने वाली जो SSGD 2021 में, उनके लिए भी एक्सपीरियंस काम में आएगा कि आपको कौन सी ड्यूटी चुननी है, आपके मन के हिसाब से, आपकी चॉइस के हिसाब से आप किस ड्यूटी के लिए एडजस्ट होते हो और कौन सी ड्यूटी में रहने के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में भी मैं बताऊँगा। अगर दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े और आप तैयारी कर रहे हो तो जुड़ जाइए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। तो अब मैं बात करता हूँ कि सबसे आसान ड्यूटी किसकी है और सबसे हार्ड ड्यूटी किसकी। तो ऊपर से नीचे तक हम बात करें, अगर नीचे से ऊपर तक हम बात करें तो इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले दोस्तों की सबसे आसान और हार्ड ड्यूटी किसकी, वैसे तो आप सभी को पता है कोई सी भी पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे SSF, NIA, CISF, CRPF, SSB, ITBP, इन सभी फोर्सेस की प्रेजेंट टाइम में जो ड्यूटी है वो देश के आंतरिक विभाग में है। केवल BSF बॉर्डर ड्यूटी करती है, ITBP भी बॉर्डर ड्यूटी करती है, SSF भी बॉर्डर ड्यूटी करती है, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि आंतरिक रूप से शुरू से करती है क्योंकि युद्ध के समय सबसे आगे आर्मी रहती है इस प्रकार से। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो ड्यूटी है उसके हिसाब से मैं आपको क्रम से अगर बताऊं कि सबसे हार्ड ड्यूटी किसकी है और सबसे मतलब आसान ड्यूटी किसकी है, तो उसके अगर मैं अपनी तरफ से ये बता रहा हूँ, इसके लिए ये नहीं कि मैं 100% बता रहा हूँ कि आपको बस यही है, लेकिन हाँ वही है, इसमें कोई संदेह नहीं है क्योंकि सबसे आसान ड्यूटी किसकी है। तो उसकी अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले नंबर एक पर या नंबर आठ से शुरू करते हैं। नंबर आठ से अगर आप मानते हो कि सबसे हार्ड ड्यूटी किसकी है, नंबर आठ से अगर शुरुआत करें दोस्तों, तो दोस्तों ये होता है चॉइस पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पर मैं आपको नंबर आठ पे दो से तीन फोर्स एक साथ बताऊंगा जिनमें से मतलब ये माना जाता है कि इनकी ड्यूटी थोड़ी सी हार्ड है, CRPF, BSF और ITBP। इन तीनों फोर्सेस की ऐसा माना जाता है कि इनकी प्रेजेंट टाइम में देश में जो ड्यूटी है वो थोड़ी सी हार्ड है। BSF की आप सभी को पता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रूप में, CRPF की ड्यूटी अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा हार्ड मानी जाती है। ये उन लोगों का नज़रिया है जो बाहर से देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि CRPF की जो ड्यूटियाँ हैं वो प्रेजेंट टाइम में देश में सबसे हार्ड है, लेकिन मेरा नज़रिया ये नहीं कहता कि सबसे बिल्कुल हार्ड है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब बाकी फोर्सेस में आपको पूरा रिलैक्स दिया जाता है। CRPF की ड्यूटी सबसे हार्ड माने जाने का रीज़न क्या है दोस्तों, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी फोर्सेस है, एक इस फोर्स के पास में सबसे ज़्यादा ड्यूटी हैं। CRPF में प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा ड्यूटी हैं, ये आपने भी सुना होगा, CRPF अभी प्रेजेंट टाइम में देश में सबसे ज़्यादा ड्यूटी करती है, उसके बाद में करती है BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के रूप में। इसकी हार्ड ड्यूटी इसलिए मानी जाती है कि बॉर्डर पर, जैसे रेगिस्तान खैर जोधपुर साइड में, वहाँ पर बॉर्डर पर 8-8, 10-10 घंटे मतलब उस उतनी गर्मी में खड़े रह पाना मतलब बहुत मुश्किल होता है। साथ में ही दुश्मन देश, हमारा जो पड़ोसी देश है दुश्मन देश, उससे कुछ ज़्यादा ही हमारी रंजिश चल रही है, तो वो भी एक खतरा भी हमेशा रहता है। और इतना मतलब आपको पता कि आपने सुना भी होगा वहाँ पानी की भी कितनी मतलब रहती है, ऊँटों से भी जाके पेट्रोलिंग की जाती है, और देश की जो बॉर्डर सीमा है उसको संभालने का अभी प्रेजेंट टाइम में पूरा जो जिम्मा ले रखा है वो BSF ने ले रखा है, तो BSF की ड्यूटी भी हार्ड मानी जाती है। ITBP की ड्यूटी आप सभी को पता है कि ITBP हिमालय मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब ठंडी जगहों में, हिमालय जैसी चोटियों पर या इंडिया और तिब्बत बॉर्डर पुलिस, वहाँ पर पुलिस फोर्स के रूप में भी काम करती है, तो घर परिवार से भी काफ़ी दूरियाँ हो जाती है। जो लोग नॉर्थ से इधर बिलोंग करते हैं, नॉर्थ से साउथ से, इनके लिए भी काफ़ी दूरियाँ हो जाती है, और जो ड्यूटी होती है उसमें चाहे लड़कियाँ भी हो उनकी ड्यूटी भी हिमालय की उन चोटियों में ज़रूर लगती है। ITBP की अगर आपने डॉक्यूमेंट्री मैंने एक बार डालिए चैनल पे, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके ज़रूर देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ITBP की ड्यूटी भी किस प्रकार की दोस्तों। तो इन तीनों फोर्सेस की प्रेजेंट टाइम में जो ड्यूटी मानी जाती है वो सबसे हार्ड मानी जाती है। आपके हिसाब से इनमें से कौन सी फोर्स की ड्यूटी आपको आपने सुनी है कि सबसे हार्ड है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से इन तीनों फोर्सेस में जो मैंने बताया है उनमें से आपको इनमें से कौन सी फोर्स की ड्यूटी सबसे ज़्यादा हार्ड लगती है। तो दोस्तों इनमें से तीनों में से आप क्रम सेट कर लीजिए। अब इसके बाद में अगर हम आएँ तो असम राइफल की ड्यूटी भी आसान नहीं मानी जाती, क्योंकि असम राइफल भी ड्यूटी करती है आर्मी के साथ में अटैच ड्यूटी भी करती है और अपना स्वतंत्र रूप से भी ड्यूटियां करती है कई स्टेट जैसे असम, लेकिन ज़्यादातर जो असम राइफल की ड्यूटी होती है वो असम राइफल इसीलिए रखा गया क्योंकि असम साइड में ज़्यादा ड्यूटी होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी ड्यूटी असम में होती है, ऐसा नहीं। वो आर्मी के साथ में ऑपरेशनल ड्यूटियां भी करती है और पर्सनली तौर पर देश पे जैसे इलेक्शन टाइम पे उधर ड्यूटियां करती है, माओवादियों से के खिलाफ काम करती है, उग्रवादियों के खिलाफ भी काम करती है। तो उसके बाद में अगर हम पांचवें पायदान पे अगर देखें तो वो है असम राइफल, उससे अगर ऊपर आ जाते हैं
फिर जो आसान ड्यूटी मानी जाती है वो है SSB, मतलब उनसे थोड़ा सा कम माना जाता है SSB की ड्यूटी, क्योंकि SSB आप सभी को पता है भारत नेपाल भूटान बॉर्डर पे ड्यूटियाँ करती, भारत और नेपाल के बॉर्डर पे ड्यूटी करती है, तो नेपाल से हमारे देश के रिश्ते भी अच्छे हैं और ज़्यादा खतरा भी नहीं होता, तो सिंपल और आसान ड्यूटी मानी जाती है। ड्यूटी का टाइम मैं ये नहीं बता रहा कि वो ड्यूटी 4 घंटे करते हैं 5 घंटे, ड्यूटी बराबर करते हैं, लेकिन कम रिस्क वाली भी ड्यूटी मानी जाती है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा रिस्क वाला काम आप सभी को पता है CRPF की ड्यूटी में माना जाता है, सबसे ज़्यादा रिस्क है, इसीलिए मैं उनको 8 नंबर सबसे टफ ड्यूटी, लेकिन ड्यूटी ये नहीं कि मतलब 20-20 घंटे की ड्यूटी होती है, ड्यूटी सभी का टाइमिंग सेम ही है, लेकिन मतलब रिस्क प्रेजेंट टाइम में अगर आप ज़्यादा अभी फोर्सेस में हैं तो CRPF की ड्यूटी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसलिए रिस्क भी सबसे ज़्यादा, पूरे देश में इतनी बड़ी फोर्सेज है तो रिस्क भी सबसे ज़्यादा है। SSB को थोड़ा सा सिक्योर माना जाता है इसलिए क्योंकि भारत नेपाल बॉर्डर पे ड्यूटी करती है, वहाँ भारत से और नेपाल से ड्यूटी की हमारे जो संबंध है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, तो वहाँ पर अभी तक कोई इस प्रकार का खतरा हुआ नहीं है SSB को। साथ में इलेक्शन ड्यूटी भी करती है और भी देश में, जैसे धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट या इनके खिलाफ भी ड्यूटी जो करती है वो तो करती करती है, हर एक पोस्ट करती है वो, तो आंतरिक सुरक्षा का काम, लेकिन भारत नेपाल बॉर्डर पर ड्यूटी करने की वजह से इनकी थोड़ी सी आसान। उसके बाद में CISF, आपको पता है CISF की जो ड्यूटियाँ हो रही है प्रेजेंट टाइम में, एयरपोर्ट मेट्रो या औद्योगिक सुरक्षा प्रदान करती है, देश के जितने भी औद्योगिक सेक्टर हैं उन सभी को सुरक्षा प्रदान करती है CISF, इसकी भी ड्यूटी कम रिस्क वाली मानी जाती है, इसलिए क्योंकि CISF आपको पता है सबसे ज़्यादा फर्स्ट चॉइस भी CISF रहती है, NI और SSF के बाद में सबसे ज़्यादा अगर फर्स्ट चॉइस रहती है पैरामिलिट्री फोर्सेज में तो CISF रहती है। उसका रीज़न ये कि इनकी जो ड्यूटियाँ हैं वो जैसे एयरपोर्ट हो गए, मेट्रो हो गई या औद्योगिक क्षेत्र, इनमें ज़्यादा ड्यूटी मतलब हाई रिस्क वाले एरिया में इनकी ड्यूटी नहीं होती है। रिस्क ऐसे तो कश्मीर में भी इनकी ड्यूटी है, लेकिन इनकी जो ड्यूटी है वो एयरपोर्ट पर ड्यूटी है, तो एयरपोर्ट पहले से ही सिक्योर है, बहुत ही कम चांस रहते हैं कि मतलब ज़्यादा रिस्क हो, वो ज़्यादा रिस्क वो ग्राउंड में जो रहते हैं उनको ज़्यादा रिस्क रहती है। CRPF हमेशा कश्मीर में ROP ड्यूटी करती है, ऑपरेशनल ड्यूटी करती है, छत्तीसगढ़ में ऑपरेशनल ड्यूटी करती है, इसलिए रिस्क वाली मानी जाती है। तो ये इस प्रकार की ऑपरेशनल ड्यूटियाँ बहुत कम करती है, ज़्यादातर ये औद्योगिक इनको सुरक्षा देती है, जितने भी सरकारी सेक्टर होते हैं उनको सुरक्षा देती है, साथ में एयरपोर्ट मेट्रो इन प्रकार की ड्यूटी करती हैं, साथ में इनको फैमिली रखने की सुविधाएँ काफ़ी अच्छी मिल जाती है, इसलिए इस फोर्स को नंबर 6 पर ले जाते हैं। नीचे से हम नंबर काउंट कर रहे हैं, ऊपर से ये नंबर 3 पर आ गई। नंबर 2 पर SSF की जो ड्यूटी मानी जाती है दोस्तों बहुत ही बढ़िया, SSF और NIA फर्स्ट नंबर दोनों पे लगा लीजिए, NIA एक नंबर पे और SSF दो नंबर पे। एक नंबर पे NIA इसलिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में, इसमें कोई रिस्क वाला काम नहीं होता, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में आप सभी को पता है कि काम करती है, तो बहुत ही कम रिस्क मतलब बिल्कुल लो रिस्क होती है SSF और NIA में। SSF में फिर भी थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन NIA की जो जॉब है उसमें रिस्क वाला काम है ही नहीं, तो उसकी ड्यूटी आसान इसीलिए मानी जाती है। बाकी ड्यूटी तो उनको भी करनी है, इन्वेस्टिगेशन उनको भी करनी होती है, लेकिन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में काम करते हैं और इन्वेस्टिगेशन के रूप में काम करते हैं, तो उनको कोई ज़्यादा रिस्क नहीं होती जितने कि बाकी जितने पैरामिलिट्री फोर्सेज को रिस्क है, उसकी बजाय उनको कुछ भी रिस्क उतनी रिस्क नहीं होती। इसलिए NIA का जॉब अगर हम माना जाए कि इनमें से सबसे आसान अगर कोई ड्यूटी है आपको अगर चाहिए, तो फर्स्ट चॉइस आप NIA दे सकते हो, सेकेंड चॉइस SSF दे सकते हो, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेज, इसकी भी ड्यूटी वैसे ही जो आप भारत की खुफिया एजेंसी रो उनको सुरक्षा प्रदान करती है, साथ में SSB भी सुरक्षा प्रदान करती है रो को, जो हमारे देश की खुफिया एजेंसी है उसको SSB भी सुरक्षा प्रदान करती है और SSF भी सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन इनकी जो प्रोटेस्ट का काम करती है साथ में स्पेशल सेल के रूप में काम करती है, तो ज़्यादा मतलब डेंजरस नहीं मानी जाती है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे एक नंबर पर अगर आप मेरे से पूछो कि सबसे आसान ड्यूटी किसकी है, सबसे अच्छी ड्यूटी किसकी है, NIA आप जरूर सजेस्ट करना 2021 की वैकेंसी में। फर्स्ट चॉइस आप NIA रखना, सेकंड चॉइस आप SSF रखना, वो भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, थर्ड चॉइस आप CISF या SSB रख सकते हो, फिफ्थ चॉइस असम राइफल रख सकते हो, और उसके बाद में असम राइफल भी रख सकते हो, ITBP SSB और CRPF BSF, इनमें से आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप इनमें से कोई भी फोर्स रख सकते हो, लेकिन CRPF के बारे में आप सभी को पता है कि प्रेजेंट टाइम में एवेंजर काम करती है CRPF और बहुत ज़्यादा ऑपरेशनल ड्यूटियाँ भी करती है, इसलिए उसको थोड़ा सा अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं, हमेशा से CRPF इन चीज़ों में आगे रही है, तो रिस्क वाली फोर्स मानी जाती है, लेकिन काफ़ी अच्छी ड्यूटी है। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें मतलब आपको 24 घंटे ही रिस्क है, इस प्रकार से नहीं है। देश में अगर आपको पता है कि CRPF की जहाँ ड्यूटी लगाई जाती है, कई बार बोल चुके हैं आर्मी के मेजर भी CRPF के बारे में ऐसा बोल चुके हैं कि अगर जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ CRPF का तंबू जरूर मिल जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी फोर्सेस है, तो रिस्क भी इसमें क्या शक है बहुत बड़ी होगी। तो इस प्रकार से आप चॉइस कर लेना 2021 में दोस्तों। अब आपको मैंने एक आधार दे दिया, अब आपको कौन सी सबसे ज़्यादा रिस्क वाली लगती है और कम सबसे आसान कौन सी लगती है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।